तो दोस्तों वेलकम टू द्विवेदी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का क्या है दोस्तों कि आज फ़िलहाल मैं अभी बाना हटाया हुआ था, अभी लगभग 3 बजे के आसपास। आज का पापा बाना हट में एक छोटा सा कार्यक्रम करवा रहे थे, तो उसी में पंडित जी लोगों का ज़रूरी है तो हम भी आए हुए हैं। मतलब आज भोज खाना है। तो फिलहाल ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये स्टेशन साइड का रोड है, और इधर पीछे में आप देख रहे होंगे जो मार्केट दिख रहा होगा आप लोगों को, उधर साइड में वो कार्यक्रम हो रहा है। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपना बानाहट का रेलवे स्टेशन की तरफ। मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि बानाहट का जो रेलवे स्टेशन है उसका व्यू पॉइंट क्या है। और इधर जो है ना, ये रेलवे क्वार्टर्स है सारे के सारे, ये जितने भी है ये सारे के सारे रेलवे क्वार्टर है। और इधर हमारे बड़े पापा का घर था पहले, अभी भी घर तो वही है जो लाल वाला है, बट जो अब दीदी है, दीदी तो बाहर जॉब करती है। और ये जो है, ये व्यू बानाहट रेलवे स्टेशन का है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है हमारे बानाहट रेलवे स्टेशन का, अभी आज से 4 साल 5 साल पहले में और अभी में बानाहट कितना डेवलप हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब अभी नया बना हुआ है। और अभी जो ये आप ब्रिज देख रहे हैं, ये वाला सामने वाला ब्रिज, ये भी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, पहले ये नहीं हुआ करता था। और उधर साइड का जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये भी नया कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। और यही है बानाहट का जो व्यू है, ये हो गया। और यहाँ पे है वेटिंग हॉल, और यहीं से टिकट काउंटर भी है। सामने अपना जो इंजीनियर लोग रहते हैं उधर, ये वाला जो है यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर लोग रहते हैं उनका है। और ऐसे करते करते ज़्यादा मैं इधर का आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो शूट आउट करना भी उतना अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। उधर स्टेशन मास्टर बैठे होंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, इसलिए मैंने उधर का आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया, इधर का मैं आपको दिखा पाऊँगा। और ये जो है, वहाँ देखिए आप लोग, जो दो आदमी काम कर रहे हैं वो रेलवे के कर्मचारी है, तो वो लोग अपने काम में जुड़े हुए हैं। और ये इधर साइड में बाथरूम है, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये किसी वेंडर ने दुकान लगाया हुआ है। ये अभी नया बना हुआ है, लगभग इसका हफ्ता या 15-20 दिन जैसा हुआ है। तो ये बानाहट का व्यू, ये देखिए यहाँ पे यात्री ये काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ, आप लोग को इधर सामने में वो छोटा सा दिख रहा है ये घर, ये टीना वाला, ये मॉडर्न इंग्लिश स्कूल हुआ करता था। मैंने अपना जो स्कूलिंग चालू किया था ना दोस्तों, एजुकेशन, वो मैंने उस स्कूल से चालू किया था, वो टीने वाले स्कूल से। और ये जो है, आइए मैं ब्रिज पे चढ़ता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, और शायद एक ट्रेन भी आ रहा है उधर से, तो ट्रेन का मैं व्यू दिखाता हूँ। और ये सामने वाला जो वाइट वाला घर है, ये बानाहट का चंदन प्रधान का घर है, जो कि उधर मार्केट में दुकान लगाया हुआ है। उस बंदे से भी जान परिचय है मेरा। तो मैं क्या कह रहा था, वो वाला जो स्कूल आप देख रहे हैं वो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों ये देखिए स्टेशन का नीचे से व्यू। मैं फिलहाल बानाहट का स्टेशन के ऊपर में हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल मैं अकेला हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इधर से ट्रेन भी आ रहा है, इन लोगों ने जाली लगवा दिया है इससे आदमी उधर तक का देख नहीं पा रहा। हालांकि यहाँ पे बदमाशी भी करते थे लोग, और एक प्रकार से ठीक ही है कि इन्होंने जाली लगवा दिया। दोस्तों ये जो है, ये लक्खीपाड़ा साइड है, ये वाला इधर सामने में लक्खीपाड़ा है आगे, और ये जो है ये बानाहट का आरा डिप्पू का जगह है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो दिखा रहा था वो ये वाला स्कूल, आप ये स्कूल देख सकते हैं।
तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि ये जो स्कूल है सामने में, ये एक स्कूल हुआ करता था और ये घर तो था ही नहीं पहले, यहाँ बहुत ही छोटा जंगल था। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने अपना एजुकेशन जो है वो मैंने इसी स्कूल के द्वारा चालू किया था। मुझे याद है इस स्कूल का नाम मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, यह बंद हो चुका है। 2004 में मैं इस स्कूल में आया था क्लास नर्सरी में। मतलब मैं बता रहा हूँ ये स्कूल फर्स्ट चालू ही हुआ था, उद्घाटन ही हुआ था और मैं ही फर्स्ट स्टूडेंट था। और ये स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर का भी घर इधर है, नेपाली प्रिंसिपल सर थे, क्षेत्री थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो इस स्कूल का उद्घाटन हुआ, पापा पंडिताई करते थे तो पापा को ही बुलाया गया पूजा कराने के लिए और मैं ही फर्स्ट बच्चा था जब मैं 2004 में पढ़ाई चालू किया था। मैंने 2004 में कि 2003 में मैं भूल रहा हूँ, अराउंड 2003 या 4 का बात है। तो उस टाइम ये स्कूल था और आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये जो दीवार इत्यादि जो देख रहे हैं अभी, ये उस समय कुछ नहीं हुआ करता था। उस समय मैं यहाँ पे सिर्फ स्कूल था, ये जो स्कूल आप देख रहे हैं स्कूल सेम ऐसा ही था पहले भी, और साइड साइड में ताड़ का लकड़ी का घिरा हुआ था, बाउंड्री तो यही था। अभी ये बहुत बदल चुका है, मुझे आज भी याद है। मैं उस समय के बाद से अभी तक इस स्कूल गया नहीं, इसलिए नहीं गया क्योंकि ये स्कूल बंद हो चुका है दोस्तों बहुत साल पहले, क्योंकि यहाँ पे क्लास 1 से नर्सरी से लेकर के 4 तक का ही क्लास था। और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये घर था नहीं उस समय में, पहले छोटा घर हुआ करता था। फिर इन लोगों ने, ये जो घर है ये चंदन प्रधान का घर है, बानाहट में चंदन प्रधान को सभी कोई पहचानते हैं, तो उन लोगों ने कमाया अपना घर बनाया, अच्छी बात है। तो ये स्कूल का आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ और अभी स्कूल हम नहीं जा सकते क्योंकि बंद किया गया है। उधर पीछे से शायद कुछ बना हुआ है घर। तो ये 2004 की बात है दोस्तों, देखिए। और इस स्कूल का नाम मॉडर्न इंग्लिश स्कूल था। देखिए पीछे का जो डिज़ाइन आप देख रहे ये सब नया बना हुआ है, तो इधर का मैं नहीं देखा हूँ अभी तक। और ये जो है ये बानाहट रेलवे स्टेशन है। बेसिकली दोस्तों आज का जो सीन था वो मैं आप लोगों को एक्चुअली मैं क्या दिखाना चाहता था कि बानाहट रेलवे स्टेशन ऐसे मैं बानाहट आया हुआ था, पापा उधर है। तो अब मैं स्टेशन आया तो मुझे ये स्कूल दिख गया, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी बता दूँ मेरा इंट्रो, मेरा स्कूल के बारे में कि क्या था सीन। तो बचपन में मैंने यहीं से पढ़ाई किया हुआ था, इस वाले स्कूल से जो मॉडर्न इंग्लिश स्कूल है। और ये जो बानाहट रेलवे स्टेशन का अपना व्यू है, अभी अभी ट्रेन चली गई और ऐसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा बानाहट रेलवे स्टेशन और बानाहट रेलवे स्टेशन। दोस्तों मैंने आप लोगों को बानाहट रेलवे स्टेशन का व्यू तो दिखा दिया जो था व्यू अभी, और मैंने अपना स्कूल के बारे में भी आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए जो ब्लॉग था वो बानाहट रेलवे स्टेशन का था। बाय।